गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. टुडे वी विल स्टडी ज्योग्राफी एंड इन दैट टुडे वी विल कंटिन्यू अवर लेसन नंबर वन. इन दैट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सैटेलाइट्स एंड मून. सो सैटेलाइट्स, द टर्म सैटेलाइट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग एन अटेंडेंट टू एनी ऑब्जेक्ट. सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स. लाइक प्लैनेट्स, Satellites also shine by reflecting the light of the sun. They are generally smaller bodies than the planets. There are two types of satellites, natural and man-made. Satellite Latin word से आया है, Latin word से derive हुआ है, जिसका meaning है किसी object का attendant. Okay. Satellite एक celestial body है जो planets के around घूमता है. प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट भी सन के रिफ्लेक्टिंग लाइट से चमकता है. ये ज़्यादातर प्लैनेट से छोटे होते हैं. टू टाइप्स के सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल एंड मैनमेड. नेचुरल सैटेलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड मून्स, विच इन ग्रीक मीन्स मैन. ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस हैव मून्स. नेचुरल सैटेलाइट को मून भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में मीनिंग है मैन. मर्क्यूरी और वीनस को छोड़कर सारे प्लैनेट के पास क्या है, मून है. द मैनमेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द अर्थ टू ड्रॉ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेलेस्टियल बॉडीज. देयर आर एट प्रेजेंट 800 एक्टिव सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स. मैनमेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो साइंटिस्ट अर्थ से लॉन्च किए हैं सेलेस्टियल बॉडी का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. अभी के समय में 800 एक्टिव सैटेलाइट हैं ऑर्बिट में अर्थ और दूसरे प्लैनेट के. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स आर अ सीरीज ऑफ इनसेट, एडुसेट, इडनेस, जीसेट एटसेट्रा. द लेटेस्ट बींग कार्टोसेट 2C लॉन्च्ड ऑन 22 जून 2016. कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं जैसे इनसेट. फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट. और ये है एडुसेट, इसे क्या कहते हैं, जीसेट 3 भी कहते हैं. ये है इडनेस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. जीसेट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ओके, लेटेस्ट सैटेलाइट जो है कार्टोसेट 2C, ये 22 जून 2016 में लॉन्च हुआ है. देन मून. द अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून. इट हैज फैसिनेटेड द पीपल एंड साइंटिस्ट द मोस्ट. अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं. ये लोगों को और साइंटिस्ट को इंटरेस्ट बनाया है. और इट्स मेन फीचर आर एज फॉलोज. इसके मेन फीचर्स हम देखेंगे. इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. इट अपीयर्स टू बी बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी. मून 384,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से. ये बड़ा दिखता है क्योंकि ये अर्थ से बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडी के पास है. नेक्स्ट इज इट्स डायमीटर इज अबाउट 3,474 किलोमीटर और स्लाइटली मोर देन 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ. इसका डायमीटर 3,474 किलोमीटर के आसपास है. ये अर्थ के साइज के 1/4 से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है. देन द मून कम्प्लीट्स वन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन 27 डेज एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कम्प्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. Moon earth का एक orbit complete करने में 27 days लेता है और अपने axis पे एक spin लेने में भी इतना ही time लगता है. इसीलिए earth में हमको moon का सिर्फ एक part ही दिखता है. Next point is, there are mountains, craters, valleys, lava plains and many other landforms. These cast shadows on the moon surface, which are visible to us on the earth. यहाँ mountains, valleys, craters, lava plains और दूसरे landforms हैं
उसका शेडो मून के सरफेस पे पड़ता है जो हमको अर्थ में दिखता है. देन द सन इल्यूमिनेट्स ओनली वन साइड ऑफ द मून एट द टाइम एंड इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट इज व्हाई इट अपीयर्स टू शाइन इन द स्काई. डिपेंडिंग ऑन द पोजिशंस ऑफ द सन द मून एंड द अर्थ वी सी डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. सन मून का सिर्फ एक साइड हमको एक टाइम पे दिखाता है और उसका लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए स्काई में शाइन होता है, हमें क्या होता है शाइन होता हुआ दिखता है सन के पोजीशन के कारण. हमको मून के डिफरेंट फेसेस दिखते हैं किस वजह से, सन के पोजीशन के कारण. लास्ट पॉइंट इज द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, नो विंड एंड नो वेदर. As such, the footprints left by the American astronaut Neil Armstrong will last millions of years because the rocks do not decay and are not carried away by any medium. Moon में atmosphere नहीं होता, wind और weather भी नहीं होता. इसीलिए American astronaut जो Neil Armstrong का footprint million of year तक वैसे ही रहेगा, क्योंकि रॉक्स कभी नहीं सड़ते और ना ही कोई मीडियम से मिट सकते हैं. ओके, देन फेजेस ऑफ द मून. मून कंप्लीट्स इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 27 डेज. इट टेक्स नियरली द सेम टाइम टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. देयरफॉर सेम साइड फेसेस द अर्थ. वी सी वेरियस चेंजेस इन द फेजेस ऑफ मून as different portions are lit at different times, else they remain dark. These lit and unlit portions of the moon are called the phases of moon or lunar phases. Moon अपने axis पे अपना rotation 27 days पे complete करता है और इतना ही time वो sun के around घूमने में भी लेता है. इसीलिए हमको same side earth का दिखता है. हम मून के फेजेस पे वेरियस चेंजेस देखते हैं क्योंकि इसका डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट टाइम पे दिखता है, बाकी टाइम वो डार्क रहता है. लाइट और डार्क मून के पोर्शन फेजेस ऑफ मून या फिर लूनार फेजेस कहलाते हैं. देन दीज फेजेस आर नेम्ड एज फुल मून, न्यू मून, क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच द सनलाइट लाइट्स अप द मून. इन फेजेस को न्यू मून, फुल मून, क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर नाम दिया गया है, जो डिपेंड करता है कि सनलाइट का लाइट मून पे कितना पड़ता है. ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस इमेज. ओके, दिस इज फेजेस ऑफ द मून. यू कैन सी हियर फुल मून, न्यू मून, क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर. ओके, यू कैन सी हियर फुल मून, न्यू मून, क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर. ओके, व्हेन द मून इज फुल्ली लिट इट इज कॉल्ड फुल मून और पूर्णिमा. आफ्टर 15 डेज द मून इज कंप्लीटली डार्क, इट इज कॉल्ड न्यू मून और अमावस्या. द टर्म्स लाइक वैक्सिंग एंड वेनिंग आर यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग एंड थिनिंग फेसेस ऑफ द मून. जब मून पे पूरा लाइट आता है तब उसे फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं. 15 डेज के बाद मून कम्प्लीटली डार्क हो जाता है, जिसे न्यू मून या अमावस्या कहते हैं. वैक्सिंग और वेनिंग जो वो टर्म है जिससे फेजेस ऑफ मून का बढ़ना या फिर घटना क्या होता है डिस्क्राइब होता है. ओके सो चिल्ड्रन, you have to read these topics at your home. Okay.